कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो अमन प्रेम भाईचारे का संदेश लेकर पद यात्रा निकाली। देश को अमन प्रेम और भाईचारे के सूत्र में पिरोने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं 7 सितंबर को कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई यह पद यात्रा 3,570 किलोमीटर तय करते हुए श्रीनगर में समापन होगी। इसी क्रम में मंडला जिले में भी भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गयी। वहीं मंडला नगर में जिला कांग्रेस प्रभारी दिनेश यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय से अंबेडकर चौक तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। वहीं अमन प्रेम भाईचारे का संदेश देती यह पदयात्रा सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ संपन्न हुई। वहीं बिछिया नगर परिषद में जिला कांग्रेस प्रभारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गोस्वामी के नेतृत्व में अग्रवाल धर्मशाला से गांधी स्मारक तक पदयात्रा निकाली गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए अनिल कुमार रजक की रिपोर्ट। सर, पार्षद इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और इसमें क्या विचार किए गए? देखिए, हमारे संगठन के प्रभारी माननीय दिनेश यादव जी का आज बिछिया प्रथम नगर आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, मुलाकात, साथ में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राकेश तिवारी जी और पूरे संगठन के लोग इकट्ठे हुए, स्वागत किए, बातचीत हुई। नगर परिषद का चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसको लेकर के हम लोगों ने मंथन किया, उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दिया और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से नगर परिषद का चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही साथ आज पूरे देश में एक बहुत ही कांग्रेसियों के लिए गौरव का विषय है, उत्सव का विषय है कि देश के लोगों के दिलों में राज करने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहला ऐसा नेता है जिन्होंने देश के बारे में चिंता करके 3,570 किलोमीटर की यात्रा शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जिसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो और भारत जैसे भारत में, देश में जब से भाजपा आई है महंगाई लेकर आई है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से अनेक मुद्दे हैं उनको लेकर के आज यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हमने भी हमारे प्रभारी और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने आज पिछिया में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, महात्मा गांधी जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया है और ये कंटिन्यू नगर परिषद के हर वार्डों में, नगर परिषद जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ जैसे मुद्दे हमारे रहेंगे। पूरे विधानसभा में ये हमारा यात्रा चल